ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति 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 ही। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, ये आत्मा अनुभूति के ऊपर स्वामी विवेकानंदा द्वारा दिए गए भाषणों का ये चौथा वीडियो है, इसका टॉपिक है मन का सामर्थ्य राजयोग। ये लॉस एंजलस कैलिफोर्निया में दिया हुआ भाषण 8 जनवरी 1900 का है। दुनिया के सब लोगों का सारे युगों से अलौकिक घटनाओं में विश्वास चला आ रहा है। हम सभी ने अनेक अद्भुत चमत्कारों के बारे में सुना है और हम में से कुछ ने उनका स्वयं अनुभव भी किया है। इस विषय का प्रारंभ आज मैं अपने स्वयं देखे हुए चमत्कारों को बतला कर करूँगा। मैंने एक बार ऐसे मनुष्य के बारे में सुना जो तुम्हारे मन के प्रश्न का उत्तर प्रश्न सुनने के पहले ही तुम्हें तुरंत बता देता था, और मुझे यह भी बतलाया गया कि वह भविष्य की बातें भी बताता है। मुझे उत्सुकता हुई और अपने कुछ मित्रों के साथ मैं वहां पहुंचा। हम में से प्रत्येक ने पूछने का प्रश्न अपने मन में सोच रखा था ताकि गलती न हो। हमने ये प्रश्न कागज पर लिखकर जेब में रख ली थी। ज्यों ही हम में से एक वहां पहुंचा, त्यों ही उसने हमारे प्रश्न और उनके उत्तर कहना शुरू किया। फिर उस मनुष्य ने कागज पर कुछ लिखा, उसे मोड़ा और उसके पीछे मुझे दस्तक करने के लिए कहा और कहा, पढ़ो मत, जेब में रख लो, यह तुम्हारा सवाल था और यह तुम्हारे जवाब हैं। इस तरह उसने हरेक से कहा। बाद में उसने हम लोगों को हमारे भविष्य की कुछ बातें बतलाई। फिर उसने कहा, अब किसी भी भाषा का कोई शब्द या वाक्य तुम लोग अपने मन में सोच लो। मैंने संस्कृत का एक लंबा वाक्य सोच लिया। वह मनुष्य संस्कृत बिल्कुल नहीं जानता था। उसने कहा, अब अपने जेब का कागज निकालो, वही संस्कृत का वाक्य उस वाक्य पर लिखा था और नीचे यह नोट लिखा था कि जो कुछ मैंने इस कागज पर लिखा है वही यह मनुष्य सोचेगा, और यह बात उसने एक घंटा पहले ही लिख दी थी। वही शब्द निकला। हम में से दूसरे को जिसके पास उस चित्र का कागज था कोई एक वाक्य सोचने को कहागा। उसने अरबी भाषा का एक फिकरा सोचा। अरबी भाषा का जानना तो उसके लिए और भी असंभव था। वह फिकरा था कुरान शरीफ का। लेकिन मेरा मित्र क्या देखता है कि वह भी कागज पर लिखा है। हम में से तीसरा था वैद्य। उसने किसी जर्मन भाषा की वैद्यक ये पुस्तक का वाक्य अपने मन में सोचा। वह वाक्य भी कागज पर लिखा था। यह सोचकर कि कहीं पहले मैंने धोखा नहीं खाया हो, कई दिनों बाद मैं फिर दूसरे मित्रों को साथ लेकर वहां गया। लेकिन इस बार भी उसने वैसा ही आश्चर्यजनक सफलता पाई। एक बार जब मैं हैदराबाद में था तो मैंने एक ब्राह्मण के विषय में सुना। यह मनुष्य न जाने कहां से कोई कई वस्तु पैदा कर देता था। वह उस शहर का व्यापारी था और ऊंचे खानदान का था। मैंने उसे अपने चमत्कार दिखलाने को कहा। इसमें ऐसा हुआ कि वह मनुष्य बीमार था। भारतवासियों में यह विश्वास है कि अगर कोई पवित्र मनुष्य किसी के सिर पर हाथ रख देता है तो उसका बुखार उतर जाता है। यह ब्राह्मण मेरे पास आकर बोला, महाराज आप अपना हाथ मेरे सिर पर रख दें तो जिससे मेरा बुखार भाग जाए।
मैंने कहा ठीक है, लेकिन तुम हमें अपनी करामात दिखलाओ। वह राजी हो गया। उसकी इच्छा अनुसार मैंने अपना हाथ उसके सिर पर रखा और बाद में वह अपना वचन पूरा करने को आगे बढ़ा। वह सिर्फ एक दुपट्टा पहने था, उसके बाकी सब कपड़े हमने अपने पास ले लिए थे। अब मैंने उसे सिर्फ एक कम्बल ओढ़ने के लिए दिया क्योंकि ठंड के दिन थे, और उसे एक कोने में बिठा दिया। 50 आंखें उसकी ओर ताक रही थी। उसने कहा, अब आप लोगों को जो कुछ चाहिए वह कागज पर लिखिए। हम सब लोगों ने उन फलों के नाम लिखे जो इस प्रांत में पैदा तक ने होते थे, अंगूर के गुच्छे, संतरे इत्यादि, और हमने वे कागज उसके हाथ में दे दिए। पर आश्चर्य तो देखो कि उसके कंबल में से अंगूर के गुच्छे तथा संतरे आदि इतनी तादाद में निकले कि अगर वजन किया जाता तो वह सब उस आदमी के वजन से दुगने होते। उसने हमें वे फल खाने के लिए कहा। हम में से कुछ लोगों ने यह सोचकर कि शायद यह जादू टोना हो, खाने से इनकार किया, लेकिन उस ब्राह्मण ने ही खुद खाना शुरू कर दिया। फिर हमने भी खाया। वे सब फल खाने योग्य ही थे। अंत में उसने गुलाब के ढेर निकाले, हर एक फूल पूरा खिला था, पंखड़ियों पर हहीन बिंदु थे। कोई भी फूल न तो टूटा ही था और न दबकर खराब भी हुआ था। और उसने ऐसे ढेर के ढेर निकाले। जब मैंने पूछा कि यह कैसे किया तो उसने कहा, यह सिर्फ हाथ का खेल है। यह चाहे जो कुछ हो लेकिन सिर्फ हाथ का खेल होना असंभव है। इस बड़ी तादाद में वह यह चीजें कहाँ से पा सकता था। मैंने इसी तरह की अनेक बातें देखी। भारतवर्ष में घूमते समय भिन्न भिन्न स्थानों में तुम्हें ऐसी सैकड़ों बातें दिखेंगी। ये चमत्कार सभी देशों में हुआ करते हैं। इस देश में भी इस तरह के आश्चर्यकार काम देखोगे। हाँ, यह सच है कि इनमें अधिकांश धोखेबाजी होती है, लेकिन जहाँ तुम धोखेबाजी देखते हो वहाँ तुम्हें यह भी कबूल करना पड़ता है कि यह किसी की नकल है। कहीं न कहीं असल होनी ही चाहिए जिसकी यह नकल की जा रही है। अविद्यमान की कोई नकल नहीं कर सकता, किसी विद्यमान वस्तु की ही नकल की जा सकती है। प्राचीन समय में हजारों वर्ष पूर्व ऐसी बातें आज की अपेक्षा अधिक प्रमाण में हुआ करती थी। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जब लोग देश में घने बसने लगते हैं तो उनके मानसिक बल का हवास होने लगता है। जो देश विस्तृत है और जहां लोग विरले बसे होते हैं वहां शायद मानसिक बल कुछ अधिक होता है। विश्लेषण प्रिय होने के कारण हिंदुओं ने इन विषयों को लेकर उनके संबंध में अन्वेषण किया और वे कुछ मौलिक सिद्धांत निकाल सके, अर्थात उन्होंने इन बातों का एक शास्त्र ही बना डाला। उन्होंने यह अनुभव किया कि ये बातें यद्यपि असाधारण हैं तथापि अनैसर्गिक नहीं हैं। अनैसर्गिक नाम कोई भी वस्तु नहीं है। ये बातें भी वैसी ही नियमबद्ध हैं जैसी भौतिक जगत की अनाने बातें। मनुष्य इन सामर्थ्यों को साथ लेकर जन्म लेता है। यह केवल निसर्ग की लहर ही नहीं है। इन शक्तियों के संबंध में शास्त्र शुद्ध अध्ययन किया जा सकता है, प्रयोग किया जा सकता है और ये शक्तियां अपने में उत्पन्न की जा सकती हैं। इस शास्त्र को वे लोग राजयोग कहते हैं। भारतवर्ष में ऐसे हजारों मनुष्य हैं जो इस शास्त्र का अध्ययन करते हैं और वह संपूर्ण राष्ट्र इस योग को अपनी दैनिक उपासना का अंग बनाए हुए है। वे लोग इस सिद्धांत को पहुंचे हैं कि यह सारा अद्भुत सामर्थ्य मनुष्य के मन में अवस्थित है। मनुष्य का मन समष्टि मन का अंश मात्र है। प्रत्येक मन दूसरे से संलग्न है और प्रत्येक मन वह जाए जहाँ रहे संपूर्ण विश्व के व्यापार में प्रत्यक्ष भाग ले रहा है। क्या तुम लोगों ने विचार संक्रमण थॉट ट्रांसफरेंस का
चमत्कार देखा है। यहाँ एक मनुष्य कुछ विचार करता है और वह विचार अन्यत्र किसी दूसरे मनुष्य में प्रकट हो जाता है। एक मनुष्य अपने विचार दूसरे मनुष्य के पास भेजना चाहता है। इस दूसरे मनुष्य को ये मालूम हो जाता है कि इस तरह का संदेश उसके पास आ रहा है। वह उस संदेश को ठीक उसी रूप में सुन लेता है जिस रूप में कि वह भेजा गया था। शास्त्र शुद्ध पूर्व साधनाओं से यह बात सिद्ध होती है। यह केवल आकस्मिक घटना नहीं है, दूरी के कारण कुछ फर्क नहीं पड़ता। वह संदेश उस दूसरे मनुष्य तक पहुंच जाता है और वह दूसरा मनुष्य उसे समझ लेता है। अगर तुम्हारा मन एक स्वतंत्र वस्तु होती जो वहाँ विद्यमान है और मेरा मन दूसरी स्वतंत्र वस्तु होती जो यहाँ विद्यमान है और इन दोनों मनों में यदि कोई संबंध नहीं होता तो मेरे विचार तुम्हारे पास ही कैसे पहुँच पाते। सर्वसाधारण व्यवहार में मनुष्य को प्रथम अपने विचारों को आकाश तत्व के संबंधों में परिणत करना पड़ता है। ये स्पंदन फिर दूसरे के मस्तक में पहुंचते हैं, वहां फिर से इन स्पंदनों का विचार में रूपांतर होता है और तब मेरा विचार तुम्हारे पास पहुंच जाता है। मेरा विचार सीधा तुम्हारे पास नहीं पहुंचता। यहाँ पहले विचार आकाश तत्व में विलिष्ट होकर मिल जाता है और फिर उसी का वहां संग्रह हो जाता है। इस तरह का चक्राकार कार्य क्रम चलता है, लेकिन विचार संक्रमण में इस तरह की क्रिया की कोई आवश्यकता नहीं होती। इससे स्पष्ट है कि मन एक अखंड वस्तु है, जैसा कि योगी कहते हैं मन विश्वव्यापी है। तुम्हारा मन, मेरा मन, ये सब छोटे छोटे मन उस समष्टि मन के अंश मात्र हैं, मानव समुद्र पर उठने वाले लहरें हैं। उस अखंडता के कारण ही हम अपने विचारों को एकदम सीधे बिना किसी माध्यम के आपस में संक्रमित कर सकते हैं। देखो हमारे आसपास दुनिया में क्या चल रहा है, अपना प्रभाव चलाना यही दुनिया है। हमारी शक्ति का कुछ अंश तो हमारे शरीर धारण के उपयोग में आता है, परंतु इसके अतिरिक्त हमारी शक्तियों का प्रत्येक अंश दूसरों पर अपना प्रभाव डालने में रात दिन व्यय होता रहता है। हमारे शरीर, हमारे गुण, हमारी बुद्धि तथा हमारा आत्मिक बल, ये सब लगातार दूसरों पर प्रभाव डालते आ रहे हैं। इस प्रकार उल्टे रूप में दूसरों का प्रभाव हम पर पड़ता चला आ रहा है। हमारे आसपास यही चल रहा है। एक प्रत्यक्ष उदाहरण लो, एक मनुष्य तुम्हारे पास आता है। वह खूब पढ़ा लिखा है, उसकी भाषा भी सुंदर है। वह तुमसे एक घंटा बात करता है, फिर भी वह अपना असर नहीं छोड़ जाता। दूसरा मनुष्य आता है, वह इन्हें गिने शब्द बोलता है। शायद वे भी व्याकरण शुद्ध और व्यवस्थित नहीं होती, परंतु फिर भी वह खूब असर कर जाता है। यह तो तुम में से बहुतों ने अनुभव किया है। इससे स्पष्ट है कि मनुष्य पर जो प्रभाव पड़ता है वह सिर्फ शब्दों द्वारा ही नहीं होता। केवल शब्द ही निवर्ण विचार भी शायद प्रभाव का एक तृतीयांश है, तृतीयांश ही उत्पन्न करते होंगे, परंतु शेष दो तृतीयांश प्रभाव उसके व्यक्तित्व का ही होता है। जिसे तुम व्यक्तिक आकर्षण कहते हो, वही प्रकट होकर तुम पर अपना असर डाल देता है। प्रत्येक कुटुंब में एक मुख्य संचालक होता है। इनमें से कोई कोई संचालक घर चलाने में यशस्वी होते हैं, परंतु कोई नहीं। ऐसा क्यों? जब हमें अपयश मिलता है तो हम दूसरों को कोसते हैं। जो ही मुझे असफलता मिलती है त्यों ही मैं कह उठता हूँ कि अमुक मेरे अपयश के कारण है। अपयश आने पर मनुष्य अपना कसूर और अपने दोष कबूल नहीं करना चाहता। प्रत्येक मनुष्य यह दिखलाने की कोशिश करता है कि वह निर्दोष है और सारा दोष वह किसी मनुष्य पर, किसी वस्तु पर, अंततः दुर्दैव पर
मरना चाहता है। जब घर का प्रमुख कर्ता सफलता नहीं प्राप्त कर सके तो उसे यह सोचना चाहिए कि कुछ और लोग अपना घर किस प्रकार अच्छी तरह चला सकते हैं तथा दूसरे क्यों नहीं। तभी तुम्हें पता चलेगा कि यह सब उसी मनुष्य के ही कारण है, उस मनुष्य के व्यक्तित्व के कारण यह फर्क पड़ता है। मनुष्य जाति के बड़े बड़े नेताओं की बात ली जावे तो हमें सदा यही दिखलाई देगा कि उनका व्यक्तित्व ही उनके प्रभाव का कारण था। अब बड़े बड़े प्राचीन लेखक और दार्शनिकों की बातें लो, सच पूछो तो असल और सच्चे विचार उन्होंने हमारे सामने कितने रखे हैं। गतकालीन नेताओं ने जो कुछ लिखा छोड़ा है उसका विचार करो, उनकी लिखी हुई पुस्तकों को देखो और प्रत्येक का मूल्य आंको। जिन्हें हम असल नए और स्वतंत्र विचार कह सकते हैं वे संसार में सिर्फ मुट्ठी भर ही हैं। उन लोगों ने जो विचार हमारे लिए छोड़े हैं उनको उन्हीं की पुस्तकों में से पढ़ो तो वे हमें कोई बहुत बड़े नहीं प्रतीत होते, परंतु फिर भी अपने जमाने में वे बहुत बड़े हो गए हैं। ऐसा क्यों होता है? सिर्फ उनके सोचे हुए विचारों के कारण ही नहीं, ही उनकी लिखी हुई पुस्तक के कारण ही, और नहीं यही कि अपने दिए हुए भाषणों के कारण ही वे बहुत बड़े प्रतीत होते थे, वरन किसी एक दूसरी ही बात के कारण जो अब निकल गई है और वह है उनका व्यक्तित्व। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ, व्यक्तित्व दो तृतीयांश होता है और बाकी एक तृतीयांश होती है मनुष्य की बुद्धि और उसके कहे हुए शब्द। सच्चा मनुष्यत्व या उसका व्यक्तित्व ही वह वस्तु है जो हम पर प्रभाव डालती है। हमारे कर्म हमारे व्यक्तित्व के बाह्य आविष्कार मात्र हैं। प्रभावी व्यक्तित्व कर्म के रूप से प्रकट होगा ही, कारण के रहते हुए कार्य का आविर्भाव अवश्यंभावी है। संपूर्ण शिक्षा तथा समस्त अध्ययन का एकमेव उद्देश्य है इस व्यक्तित्व को गढ़ना, लेकिन हम यह न करके सिर्फ बहिरंग पर ही पानी चढ़ाने का सदा प्रयत्न किया करते हैं। जहाँ व्यक्तित्व का ही अभाव है वहाँ सिर्फ बहिरंग पर पानी चढ़ाने का प्रयास करने में क्या लाभ। सारी शिक्षा का ध्येय है मनुष्य का विकास। वह मनुष्य तो जो अपना प्रभाव संपर डालता है, जो अपने संगियों पर जादू सा कर देता है, शक्ति का एक महान केंद्र बन जाता है, और जब यह शक्तिशाली मनुष्य तैयार हो जाता है तो वह जो चाहे कर सकता है। यह व्यक्ति तो जिस किसी वस्तु पर अपना प्रभाव डालता है उसी वस्तु को क्रियाशील बना देता है। यद्यपि हम देखते हैं कि यह बात सच है तथापि फिर भी कोई भी भौतिक सिद्धांत जो हमें ज्ञात है यह नहीं समझा सकता कि ऐसा किस तरह हो सकता है। रासायनिक या पदार्थ वैज्ञानिक ज्ञान इसका विशदीकरण क्यों कर सकता है? कितनी ऊर्जा ऑक्सीजन, कितनी उद्गीजन वायु हाइड्रोजन, कितना कोयला कार्बन, या कितने परमाणु और इनके कितनी विभिन्न अवस्थाएं उनमें विद्यमान, कितने कोश सेल्स इत्यादि इस गुण व्यक्तित्व का स्पष्टीकरण कर सकते हैं। फिर भी हम यह देखते हैं कि यह व्यक्तित्व एक सत्य है। इतना ही नहीं बल्कि वही मनुष्यत्व का सार है और वही मनुष्य की सब क्रियाओं को अनुप्राणित करता है, वही सबों पर प्रभाव डालता है, संगियों को कार्यों में परिवर्त करता है तथा उस व्यक्ति के लय के साथ विलीन हो जाता है। उसकी बुद्धि उसकी पुस्तक और उसके किए हुए काम से सिर्फ पीछे रहे हुए अवशेष मात्र हैं। इस बात का विचार करो, इनके बड़े बड़े दार्शनिकों के साथ तुलना करो। इन दार्शनिकों ने बड़ी आश्चर्यजनक पुस्तकें लिख डाली हैं, परंतु फिर भी शायद कुछ ही अंशों में किसी के अंतरंग पर उन्होंने प्रभाव जमाया होगा। इसके संत महापुरुषों को देखो, उन्होंने अपने काल में सारे देश को हिला दिया था। व्यक्तित्व ही था वह जिसने यह फर्क पैदा किया। दार्शनिकों का वह व्यक्ति जो असर पैदा करता है किंचिन मात्र होता है, और धर्म संस्थापकों का वही व्यक्तित्व प्रचंड होता है। दार्शनिकों का व्यक्तित्व बुद्धि पर असर करता है और धर्म संस्थापकों का जीवन पर।
पहला वर्ग मानो एक सिर्फ एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कुछ रासायनिक घटक एकत्रित होकर आपस में धीरे धीरे संयुक्त हो जाते हैं और अनुकूल परिस्थिति में होने से या तो उनमें से प्रकाश की दीप्ति प्रकट होती है या वे असफल ही हो जाते हैं। दूसरा वर्ग एक जलती हुई मशाल के सदृश है जो शीघ्र ही एक के बाद दूसरे को प्रज्वलित करती जाती है। योग शास्त्र यह हक साबित करता है कि उसने उन नियमों को ढूंढ निकाला है जिसके द्वारा इस व्यक्तित्व का विकास किया जा सकता है। इन नियमों तथा उपायों की ओर ठीक ठीक ध्यान देने से मनुष्य अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है और उसे बलिष्ठ बना सकता है। अनेक व्यवहारिक बातों में यह एक महत्व की बात है और शिक्षा का यही रहस्य है। इसकी उपयोगिता सर्वदेशीय होती है, चाहे वे गृहस्थ हो चाहे गरीब, अमीर, व्यापारी या धार्मिक। सभी के जीवन में व्यक्तित्व को बलिष्ठ बनाना ही एक महत्व की बात है। ऐसे अनेक सूक्ष्म नियम हैं जो हम जानते हैं कि इन भौतिक नियमों से अतीत है। मतलब यह है कि भौतिक जगत, मानसिक जगत या आध्यात्मिक जगत इस तरह की कोई नितांत स्वतंत्र सत्ताएं नहीं है। जो कुछ है सब एक तत्व है, या हम ऐसा कहेंगे कि यह सब एक ऐसी वस्तु है जो कि यहाँ पर मोटी है और जैसे जैसे यह ऊंची चढ़ती है वैसे ही वह सूक्ष्मतर होती जाती है। सूक्ष्मतम को आत्मा कहते हैं और स्थूलतम को शरीर, और जो कुछ छोटे परमाणु में इस शरीर में है वही बड़े परमाणु में उस विश्व में है, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। यह हमारा विश्व ठीक उसी प्रकार का है। बहिरंग में स्थूल घनत्व है और जैसा जैसा यह ऊंचा चढ़ता है सूक्ष्मतर होता जाता है और अंत में परमेश्वर रूप बन जाता है। हम यह भी जानते हैं कि सबसे अधिक शक्ति सूक्ष्म में है, स्थूल में नहीं। एक मनुष्य भारी वजन उठाता है, उसके स्नायु फूल उठते हैं और संपूर्ण शरीर पर परिश्रम के चिन्ह दिखने लगते हैं। हम समझते हैं कि उसके स्नायु बहुत मजबूत हैं, लेकिन असल में धागे से भी पतले ज्ञान तंतु नर्व हैं जो स्नायुओं को शक्ति देते हैं। जिस अक्षण इन तंतुओं में से एक का भी स्नायुओं से संबंध टूट जाता है उसी अक्षण वे स्नायु बेकाम हो जाते हैं। ये छोटे छोटे ज्ञान तत्व किसी अन्य सूक्ष्मतर वस्तु से अपनी शक्ति ग्रहण करते हैं और वह सूक्ष्मतर वस्तु फिर अपने से भी अधिक सूक्ष्म विचारों से शक्ति ग्रहण करती है। इसी तरह यह क्रम चलता रहता है, इसलिए वह सूक्ष्म तत्व ही है जो शक्ति का अधिष्ठान है। स्थूल में होने वाली हलचल हम अवश्य देख सकते हैं, परंतु सूक्ष्म में होने वाली हलचल हम देख नहीं सकते। जब स्थूल वस्तुएं हलचल करती हैं तो हमें उसका बोध हो सकता है और स्वाभाविक ही हलचल का संबंध हम स्थूल से जोड़ देते हैं, लेकिन वास्तव में सारी शक्ति सूक्ष्म में ही है। सूक्ष्म में होने वाली हलचल हम देख नहीं सकते, शायद इसका कारण यह है कि वह हलचल इतनी शीघ्र होती है कि हम उसका अनुभव ही नहीं कर सकते। लेकिन यदि कोई शास्त्र या कोई शोध इन सूक्ष्म शक्तियों के ग्रहण करने में मदद दे, यह व्यक्ति विश्व ही है जो इन शक्तियों का परिणाम है, हमारे अधीन हो जाएगा। पानी का एक बुलबुला झील की तली से निकलता है, वह ऊपर आता है, लेकिन हम उसे देख नहीं सकते जब तक कि वह सतह पर आकर फूट नहीं जाता। इसी तरह विचार अधिक विकसित हो जाने पर या कार्य में परिणत हो जाने पर ही देखे जा सकते हैं। हम सदा यही कहा करते हैं कि हमारे कर्मों पर, हमारे विचारों पर हमारी हुकूमत नहीं चलती, लेकिन यह कैसे संभव हो सकता है? हम विचारों को मूल में ही अगर अधीन कर सकें तो इन सूक्ष्म हलचलों पर हमारी हुकूमत चल सकेगी। विचारों को कार्य में परिणत होने के पहले ही जब हम अधीन कर लेंगे तभी सब पर हमारी हुकूमत चल सकेगी। अब अगर ऐसा कोई तरीका हो जिसके द्वारा हम कारण भावों का अर्थात इन सूक्ष्म शक्तियों का
पृथक्करण संशोधन ज्ञान और अंत में व्यवहार कर सकें तो तभी हम खुद पर अपना अधिकार चला सकेंगे। और जिस मनुष्य का मन उसके अधीन होगा निश्चय ही वह दूसरों के मनों को अपने अधीन कर सकेगा। यही कारण है कि पवित्र तथा नीतिमत्ता सदा के लिए धर्म के विषय बने हुए हैं। सूची भूत सदाचारी मनुष्य स्वयं पर अपना अधिकार चलाता है। हम सब के मन उस पर एक ही समष्टि मन के अंश मात्र हैं। जिसे एक ढेले का ज्ञान हो गया है उसने दुनिया की सारी मिट्टी जान ली है। जो अपने मन को जानता है और स्वाधीन रख सकता है वह दूसरे के मनों का रहस्य पहचानता है और उन पर अपना हुकूमत चला सकता है। हम अपने भौतिक दुखों का अधिकांश दूर कर सकते हैं मगर हम इन सूक्ष्म कारणों पर अपना अधिकार चला सकें। हम अपनी चिंताओं को दूर कर सकते हैं अगर यह सूक्ष्म हलचल हमारे अधीन हो जाए। अनेक अपयश टाले जा सकते हैं अगर हम इन सूक्ष्म शक्तियों को अपने अधीन कर लें। यहाँ तक उपयोगिता के बारे में कहा है लेकिन इसके परे और भी कुछ उत्तम साधे हैं। अब मैं तुम्हें एक विचार प्रणाली बतलाता हूँ। उसके संबंध में मैं विवाद उपस्थित नहीं करूँगा सिर्फ सिद्धांत ही तुम्हारे सामने रखूँगा। प्रत्येक मनुष्य अपने बाल्यकाल में ही उन्होंने अवस्थाओं को पार कर लेता है जिनमें से उसका एक समाज गुजरा है। समाज को हजारों वर्ष लग जाते हैं और बालक कुछ वर्षों में ही उनमें से वो गुजरता है। बालक प्रथम जंगली मनुष्य की अवस्था में होता है और तितली को अपने पैरों तले कुचल डालता है। आरंभ में बालक अपनी जाति के जंगली पूर्वजों का सा होता है। जैसे जैसे वह बढ़ता है अपनी जाति की विभिन्न अवस्थाओं को पार करता जाता है जब तक कि वह अपनी जाति की उन्नता अवस्था तक पहुंच नहीं जाता। फर्क यही है कि वह तेजी से और जल्दी जल्दी पार कर लेता है। अब संपूर्ण मानव समाज को जो जाति मान लो या संपूर्ण प्राणी जगत और मनुष्य तथा निमन सत्र के प्राणियों की एक जाति मान लो, एक ऐसा ध्येय है कि जिसकी ओर यह संपूर्ण विश्व बढ़ रहा है। उस ध्येय को हम पूर्णतव नाम दे दें। कुछ मनुष्य या स्त्रियां ऐसी पैदा हो जाती हैं जो संपूर्ण मानव समाज के भविष्यकालीन विकास की कल्पना पहले ही कर सकती हैं। संपूर्ण मानव समाज जब तक उस पूर्णतव को नहीं पहुँचे तब तक राह देखते रहना और पुनः पुनः जन्म लेना इसकी अपेक्षा भी कहते हैं कि चलो जीवन के कुछ ही वर्षों में इन सब अवस्थाओं में से दौड़ चले। और हम जानते हैं कि इन अवस्थाओं में से हम तेजी से दौड़े जा सकते हैं मगर हम सिर्फ आत्म वंचना नहीं करें। असंस्कृत मनुष्यों को अगर हम एक द्वीप पर छोड़ दें और उन्हें पर्याप्त खाने उड़ने तथा रहने को मिले तो वे धीरे धीरे उन्नत हो संस्कृति की एक सीढ़ी चढ़ते जाएंगे। हम यह भी जानते हैं कि विशेष साधनों द्वारा इस विकास की गति बढ़ाई जा सकती है। क्या हम वृक्षों की बाढ़ में मदद नहीं कर सकते? अगर वे निसर्ग पर छोड़ दिए जाते तो भी वे बढ़ते। फर्क यही है कि उन्हें अधिक समय लगता है। निसर्गतः लगने वाले समय से कम समय में ही उनकी बाढ़ होने के लिए हम मदद पहुंचाते हैं। कृत्रिम साधनों द्वारा उनकी बाढ़ दृढ़तर करना यदि हम निरंतर करते आए तो फिर हम मनुष्य का विकास घटतर क्यों नहीं कर सकते? समस्त जाति के विषय में हम वह कर सकते हैं। प्रदेशों में प्रचार क्यों भेजे जाते हैं? क्योंकि इन मार्गों द्वारा जाति को हम शीघ्रतर उन्नत कर सकते हैं। तो अब क्या हम व्यक्ति का विकास शीघ्रतर नहीं कर सकते? अवश्य कर सकते हैं। तो क्या इस विकास की शीघ्रता की कोई मर्यादा बांध दी गई है? यह हम नहीं कह सकते कि एक जीवन में मनुष्य कितनी उन्नति कर सकता है। ऐसा कहने के लिए तुम्हें कोई आधार नहीं कि मनुष्य सिर्फ इतनी ही उन्नति कर सकता है, अधिक नहीं। अनुकूल परिस्थिति से उसका विकास आश्चर्यजनक शीघ्रता से हो सकता है। तो क्या फिर मनुष्य के पूर्ण विकसित होने के पूर्व उसके विकास की कोई मर्यादा बांध दी गई है? इस सब का तात्पर्य क्या है? एक पूर्ण विकसित मनुष्य जो इस जाति के विकास का आदर्श होगा और जो शायद करोड़ों वर्ष बाद अस्तित्व में आए आज ही जन्म ले सकता है। और यही बात योगी कहते हैं कि सब बड़े अवतार तथा धर्म संस्थापक ऐसे ही
पुरुष होते हैं, उन्होंने इस एक ही जीवन में पूर्णत्व प्राप्त कर लिया है। दुनिया के इतिहास के सब कालों में इस तरह के मनुष्य जन्म लेते ही आए हैं। अभी कुछ ही दिन पूर्व एक ऐसे मनुष्य ने जन्म लिया था जिसने मानव समाज के संपूर्ण जीवन की विभिन्न अवस्थाओं का अनुभव अपने इसी जीवन में कर लिया था और जो इसी जीवन में पूर्णत्व पहुँच गया था। लेकिन विकास की यह शिखर गति भी कुछ नियमों के अनुसार होनी चाहिए। अब ऐसी कल्पना करो कि इन नियमों का हम संशोधन कर सकते हैं, उनका रहस्य समझ सकते हैं और उनको अपनी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए उपयोग में ला सकते हैं, तो यह स्पष्ट है कि इससे हमारा विकास होगा। हम अपनी शिखर तर अपना विकास करें तो इस जीवन में भी हम पूर्ण विकसित हो सकते हैं। हमारे जीवन का उदात्त अंश यही है और मनोविज्ञान तथा मन की शक्तियों का अभ्यास इस पूर्ण विकास को ही अपना ध्येय मानता है। पैसा देकर और भौतिक वस्तुएं देकर सुगमता से जिंदगी बसर करना सिखलाता है। ये सब जीवन की सिर्फ गौण बातें हैं। मनुष्य को पूर्ण विकसित बनाना यही इस शास्त्र का उद्देश्य है। युगानुयुग प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं। जैसे कि एक काठ का टुकड़ा केवल खिलौना बन समुद्र की लहरों द्वारा इधर उधर फेंक दिया जाता है, उसी प्रकार हमारे लिए प्रकृति के जड़ नियमों के हाथ का खिलौना बनना आवश्यक नहीं। यह शास्त्र चाहता है कि तुम लोग बलवान बनो, उन्नत कार्य अपने ही हाथ में लो, प्रकृति के भरोसे पर मत छोड़ो और इस छोटी सी जीवन के उस पार हो जाओ। यही वह उदात्त ध्येय है। ज्ञान में, शक्ति में, सुख में मनुष्य की उन्नति होती जा रही है। हमारी समस्त जाति लगातार उन्नति करती जा रही है। हम देखते हैं कि यह सच है, बिल्कुल सच है। क्या यह प्रत्येक व्यक्ति के विषय में भी सत्य है? हाँ, कुछ अंश तक सत्य है। फिर दूसरा प्रश्न उठता है कि इसकी सीमा रेखा कौन सी है? मैं तो सिर्फ कुछ ही गज दूरी पर देख सकता हूँ, लेकिन मैंने ऐसा मनुष्य देखा है जो आंख बंद कर लेता है और फिर भी बता देता है कि दूसरे कमरे में क्या हो रहा है। अगर तुम कहो कि हम नहीं विश्वास करते तो शायद 3 हफ्ते के अंदर वह मनुष्य तुम में भी वैसा ही सामर्थ्य उत्पन्न कर देगा। यह किसी भी मनुष्य को सिखलाया जा सकता है। कुछ मनुष्य तो सिर्फ 5 मिनट के अंदर ही यह जानना सीख सकते हैं कि दूसरे मनुष्य के मन में क्या चल रहा है। ये बातें प्रत्यक्ष कर दिखलाई जा सकती हैं। अब अगर ये बात सच है तो सीमा रेखा कहाँ पर खींची जा सकती है? अगर मनुष्य कोने में बैठे हुए दूसरे मनुष्य के मन में क्या चल रहा है ये जान सकता है, तो वह दूसरे कमरे में बैठा रहने पर भी क्यों नहीं जान सकेगा? और वह कहीं पर भी बैठा हो तो भी क्यों नहीं जान सकेगा? हम नहीं कह सकते ऐसा क्यों नहीं होगा। हम यह कहने की हिम्मत नहीं कर सकते कि यह असंभव है। हम सिर्फ यही कह सकते हैं कि हम नहीं जानते ये कैसे संभव है। ऐसी बातें होना असंभव है ऐसा कहने का भौतिक शास्त्रज्ञों को कोई अधिकार नहीं। वे सिर्फ कह सकते हैं कि हम नहीं जानते। शास्त्र का काम सिर्फ यही है कि घटनाओं को इकट्ठा कर उन पर सिद्धांत बांधे, अनुसयुक्त नियम को निकाले और सत्य का विधान करे। लेकिन अगर हम घटनाओं का ही इनकार करने लगे तो शास्त्री कैसे बन सकता है? मनुष्य कितनी शक्ति संपादन कर सकता है इसका कोई अंत नहीं। भारतवासी के मन की यही विशेषता है कि जब किसी एक वस्तु में उसे रुचि उत्पन्न हो जाती है तो वह उसी में मगन हो जाता है और दूसरी बातों को भूल जाता है। तुम जानते हो कि कितने शास्त्रों का उद्गम भारतवर्ष में हुआ? गणित शास्त्र का आरंभ वहीं हुआ। आज भी आप लोग संस्कृत अंक गणना पद्धति के अनुसार 1, 2, 3 इत्यादि शून्य तक गिनते हो और आपको यह भी मालूम है कि बीजगणित का उदय भारत में ही हुआ। उसी तरह न्यूटन का जन्म होने के हजारों वर्ष पूर्व भी भारतीयों को गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत अवगत था। इस विशेषता की ओर जरा ध्यान दो। भारतीय इतिहास के एक समय भारतवासियों का चित्त मन भी मन के अभ्यास में ही डूब गया था और यह विषय अत्यंत आकर्षक था, क्योंकि कोई भी वस्तु प्राप्त करने का यह सुलभतम तरीका है यह उन्हें मालूम हुआ था। इस समय भारतवासियों का
ऐसा दृढ़ निश्चय हो गया था कि विशिष्ट नियमों के अनुसार परिचालित होने से मन कोई भी कार्य कर सकता है और इसीलिए मन की शक्तियां ही उनके अध्ययन का विषय बन गई थी। जादू मंत्र तंत्र तथा अन्य सिद्धियां उनके लिए कोई असाधारण बात नहीं थी। यह भी इतनी सरलता से सिखाया जाता था जितना कि उसके पूर्व भौतिक शास्त्र इन बातों को लोग मितनवा विश्वास बैठ गया था कि भौतिक शास्त्र करीब करीब मरे से हो गई। यही एक बात थी जिसने उनका मन खींच रखा था। योगियों के विभिन्न संप्रदाय अनेक प्रकार के प्रयोग करने लगे। कुछ लोगों ने प्रकाश के संबंध में प्रयोग किए और यह जानना चाहा कि विभिन्न वर्णों की किरणों का शरीर पर कौन सा प्रभाव पड़ता है। वे विशिष्ट रंग का कपड़ा पहनते थे, विशिष्ट रंग में वास करते थे और विशिष्ट रंग के ही अन्न खाते थे। इस तरह सब प्रकार के प्रयोग किए जाने लगे। दूसरों ने अपने कान बंद कर या खोले रखकर ध्वनि के विषय में प्रयोग करना आरंभ किया और अन्य योगियों ने घ्राणेंद्रियों के संबंध में सभी का देह एकीदा किसी वस्तु के मूल अथवा सूक्ष्म कारण तथा किस प्रकार पहुंचना और उनमें से कुछ लोगों ने सचमुच ही आश्चर्यजनक सामर्थ्य प्रकट किया। बहुतों ने आकाश में विचरने और उड़ने का प्रयत्न किया। एक बड़े पाश्चात्य विद्वान की बतलाई हुई कथा में कहूंगा। सीलोन के गवर्नर ने जिसने यह घटना प्रत्यक्ष देखी थी उससे कही थी, एक लड़की उपस्थित की गई और वह पालती मारकर स्टूल पर बैठ गई। स्टूल लकड़ियों को आड़ी टेढ़ी जमा कर बना दिया गया था। कुछ देर उसके उस स्थिति में बैठने के पश्चात वह मनुष्य धीरे धीरे एक एक कर लकड़ियां हटाने लगा और वह लड़की हवा में अधरी लटकती रह गई। गवर्नर ने सोचा कि इसमें कोई चालाकी, इसलिए उसने तलवार खींची और तेजी से उस लड़की के नीचे से घुमाई, लेकिन लड़की के नीचे कुछ नहीं था। अब कहो यह क्या है? यह कोई जादू ने था न कोई असाधारण बात थी, यही वैशिष्ट है। कोई भी भारतीय तुम्हें ऐसा नहीं कहेगा कि इस तरह की घटना नहीं हो सकती। भारतीयों के लिए यह एक साधारण बात है। तुम जानते हो कि हिंदुओं को शत्रुओं से युद्ध करना होता है तो ये क्या कहते हैं, हमारा एक योगी तुम्हारे झुंड को मार भगावेगा। उस राष्ट्र का यह दृढ़ विश्वास है। हाथ में और तलवार में ताकत कहाँ, ताकत है आत्मा में। अगर यह सच है तो मन के लिए यह काफी प्रलोभन है कि वह प्राणपण से प्रयत्न करे। लेकिन कोई बड़ा यश संपादन करना जिस तरह प्रत्येक शास्त्र में कठिन है, उसी तरह इस अक्षेत्र में भी नहीं बल्कि यहाँ अधिक कठिन है। फिर भी अनेक लोग समझते हैं कि ये शक्तियां सुगमता से प्राप्त की जा सकती हैं। संपत्ति प्राप्त करने के लिए तुम्हें कितने वर्ष व्यतीत करने पड़ते हैं, जरा इसका विचार तो करो। वस्तु शास्त्र के बिजली विभाग के अध्ययन में ही तुम्हें कितने वर्ष व्यतीत करने पड़ते हैं और फिर सारी उम्र उसे असल में अमल में लाते रहना पड़ता है। पुनश्च इतर शास्त्रों का विषय है, शिथिल वस्तुएं ऐसी वस्तुएं जो हलचल नहीं करती। तुम्हें कुर्सी का पृथक्करण कर सकते हो, कुर्सी दूर नहीं भाग जाती, लेकिन यह शास्त्र मन को अपना विषय बनाता है। वह मन जो सदा चंचल है, जो ही तुम उसका अध्ययन करना चाहते हो वह भाग जाता है। अभी मन में एक वृत्ति विद्यमान है, फिर दूसरी उदित हो जाती है। बस इस तरह वह मन सर्वदा बदलता ही जाता है। मन की इस चंचलता में ही उसका अध्ययन करना पड़ता है, उसे समझना पड़ता है, उसका आकलन करना पड़ता है, उसको अपने वश में लाना पड़ता है। तो फिर देखो कि यह शास्त्र कितना अधिक कठिन है। यहाँ कठिन अभ्यास की आवश्यकता है। लोग मुझसे पूछते हैं कि तुम प्रत्यक्ष प्रयोग क्यों नहीं सिखलाते। अजी यह मजाक नहीं है, मैं इस प्लेटफार्म पर खड़े खड़े संभाषण करता हूँ और तुम घर चले जाते हो, तुम्हें कोई फायदा नहीं होता और न मुझे ही। तब तुम कहते हो यह सब पाखंड है। ऐसा इसलिए होता है कि तुम ही इसे पाखंड बनाना चाहते थे। इस शास्त्र का मुझे बहुत थोड़ा ज्ञान है, लेकिन जो कुछ थोड़ा बहुत मैं जानता हूँ उसका 30 साल तक मैंने अभ्यास किया है और 6 साल हुए लोगों का वह सिखला रहा हूँ। मुझे 30 साल लगे इसके अभ्यास के लिए, 30 साल की कड़ी कोशिश। कभी कभी 24 घंटों में मैं 20 घंटे साधना करता रहता हूँ। कभी रात में 1 ही घंटा सोता हूँ, कभी रात रात भर मैंने प्रयोग किए हैं। कभी कभी मैं ऐसे स्थानों में रहा हूँ जहाँ किसी प्रकार का कोई शब्द नहीं था, सांस तक की आवाज़ नहीं थी। कभी
मुझे गुफाओं में रहना पड़ा है। इस बात का तुम विचार करो, और फिर भी मुझे बहुत थोड़ा मालूम है, या कहिए बिल्कुल ही नहीं। मैंने बमुश्किल की शास्त्र की मानो सिर्फ किनारा छू पाया हूँ, लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि यह सच अपार है और आश्चर्यजनक है। अगर तुम में से कोई शास्त्र का सचमुच अध्ययन करना चाहता है, तो उसी प्रकार के निश्चय से आरंभ करना पड़ेगा जिस निश्चित से वह किसी व्यवसाय का प्रारंभ करता है। नहीं बल्कि संसार के किसी भी व्यवसाय की अपेक्षा उसे अधिक निश्चय लगाना होगा। व्यवसाय के लिए कितनी सावधानता की जरूरत होती है, और वह व्यवसाय कितने बड़े श्रम की हम में से मांग करता है। अगर माँ बाप और बच्चा भी मर जाए, तो भी व्यवसाय नहीं रुकता। चाहे हमारे हृदय के टुकड़े टुकड़े हो जाएं, फिर भी हमें व्यवसाय की जगह पर जाना ही होगा। फिर चाहे व्यवसाय का हर एक घंटा हमारे लिए यंत्रणा क्यों न हो, यह है व्यवसाय, और हम फिर भी समझते हैं कि यह ठीक ही है। इसमें क्या अन्याय है? यह शास्त्र किसी भी अन्य व्यवसाय से अधिक लगन मांगता है। व्यवसाय में तो अनेक यश भी हो सकते हैं, लेकिन इस मार्ग में बहुत ही थोड़े, क्योंकि यहाँ पर मुख्यतः अध्येता की मानसिक गठन पर ही यह सब कुछ अवलंबित रहता है। जिस प्रकार व्यवसायी चाहे दौलत जोड़ सके चाहे न जोड़ सके, लेकिन कुछ कमाई तो जरूर कर लेता है, उसी प्रकार इस शास्त्र के प्रत्येक अध्येता को कुछ ऐसी झलक अवश्य मिलती है, जिससे उसका विश्वास हो जाता है कि ये बातें सच हैं। और ऐसे मनुष्य पैदा हो सकते हैं जिन्होंने पूर्ण सत्य का अनुभव कर लिया है। इस शास्त्र की यह सिर्फ रूपरेखा, यह शास्त्र शब्द है, प्रमाण तथा स्वयं प्रकाश है, और आह्वान करता है कि आप इसकी अन्य शास्त्रों से तुलना करो। दुनिया में पाखंडी जादूगर धोखेबाज अनेक हो गए हैं, और विशेषतः इस क्षेत्र में। ऐसा क्यों? इसलिए कि जो व्यवसाय जितना अधिक फायदेमंद होता है, उसमें उतने ही अधिक पाखंडी और धोखेबाज होते हैं। लेकिन उस व्यवसाय के अच्छे न होने के लिए कोई कारण नहीं है। एक बात और बतला देना चाहता हूँ। इस शास्त्र के अनेक वादों को सुनना बुद्धि के लिए चाहे बड़ी कसरत हो, और आश्चर्यजनक बातें सुनने से चाहे तुम्हें बौद्धिक संतोष प्राप्त हो, लेकिन अगर सचमुच तुम्हें कुछ सीखने की इच्छा है, तो सिर्फ संभाषणों को सुनने से काम ना चलेगा। इन व्याख्यानों द्वारा ही नहीं सिखलाया जा सकता, क्योंकि यह शास्त्र अनुभूति निष्ठ और अनुभूति ही अनुभूति प्रदान कर सकती है। अगर तुम में से सचमुच कोई अध्ययन करना चाहता है, तो उसको मदद देने में मुझे बहुत आनंद होगा। इस वीडियो को मैं यहीं विराम देता हूँ। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, अगला वीडियो नंबर 5 जो है वो शुरू होगा 5वें अध्याय से, खुला रहस्य ज्ञान योग, लॉस एंजेलस कैलिफोर्निया में दिए हुए भाषण का अंश। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कृपा करके इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। नमस्कार।